दुर्गा पूजा के अवसर पर इस बार बिहार के डेहरी में बंगाली परंपरा देखने को मिली। सिंदूर खेला जो बंगाली महिलाओं के बीच आज खेला गया। सिंदूर खेला के बाद माँ भगवती को आज विदाई दी गई। इस अवसर पर दर्जनों बंगाली समुदाय की महिलाओं ने बंगाली क्लब में सिंदूर खेला खेला। ये एक ऐसी परंपरा है जिसके बाद माता की विदाई दी जाती है। जिस तरह से बिहार में बेटी विदाई पर खोइचा देने की परंपरा है, उसी तरह बंगाल की ये परंपरा जब माँ की विदाई होती है तो सिंदूर खेला के रूप में खेला जाता है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार। बहुत ज़्यादा ही उत्साह दिखा गया सब जगह, सब लोगों के अंदर, क्योंकि दो साल तक लोगों ने बहुत ही उत्साह तो उस टाइम भी किए थे, लेकिन इस साल का जो है डबल धमाका हुआ है हम लोग के यहाँ पे। और जैसा कि मानते हैं, हम लोग सिंदूर खेला खेलते हैं जाते समय। लाल रंग एक खुशी का, प्यार का प्रतीक होता है, इसीलिए हम लोग माँ को विदाई करते समय लाल रंग से उनको सिंदूर लगाते हैं और एक दूसरे को हम लोग सिंदूर लगा के उत्साह अपना जाहिर करते हैं। माँ को बोलते हैं अगले वर्ष फिर से माँ इसी तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ आना। सिंदूर खेला हम लोग को बंगालियों का जैसे दुर्गा पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और सिंदूर खेला का बहुत ही बड़ा महत्व है क्योंकि सिंदूर खेला दशमी के दिन हम लोग खेलते हैं, जिस दिन माँ की विदाई होती है। जैसे माँ आती है तो 4-5 दिन हम लोग बहुत ही इन्जॉय करते हैं, लेकिन जब सिंदूर खेला होता है दशमी के दिन, उस दिन माँ को सिंदूर लगा करके पान से बर्न करके मिठाई खिला करके मतलब हर चीज़ से करके पैसे वगैरह दे करके हम लोग माँ को विदाई करते हैं। इसे जैसे यहाँ का ट्रेडिशनल है, जैसे हम लोग खोइचा करते बोलते हैं बिहार में, वैसे हम लोग सिंदूर खेला में माँ को सिंदूर लगा करके अच्छे से बर्न करके विदाई करते हैं। इस बार कितना उत्साह रहा, 2 साल के बाद कोरोना को लेकर के जो चीज़ें थी अब आई हैं? इस बार तो बहुत ज़्यादा ही उत्साह रहा है क्योंकि 2 साल तो कोविड की वजह से बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं गया था, कोविड रहने की वजह से, और ये साल जितना भी 2 साल का था सबने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, सबने बहुत अच्छे से इस फेस्टिवल को मनाया। और यही मतलब उम्मीद करते हैं कि माँ दुर्गा हर साल ऐसे ही हंस के आए और ऐसे हंस के जाए, क्योंकि माँ दुर्गा जब आती है तो हमारे मन में उल्लास तो बहुत होती है, लेकिन जब जाती है तो फिर रोना भी आता है, फिर भी बोलते हैं माँ अगले वर्ष तुम किसी समय पर जल्दी से आ जाना।